हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर सोनभद्र वगैरह का बता दीजिए। तो सोनभद्र के डीएम ऑफिस से कल 3 लेटर्स निकले हैं 31 तारीख को, तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें मेडिकल परीक्षण संबंधी जानकारी है आपकी कि किस किस तारीख को मेडिकल है। आपका मेडिकल 1 और 2 तारीख को प्रस्तावित है, आज और कल। तो प्लीज़ जो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वो आप और लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखेंगे नवचयनित लेखपालों का चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने विषय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र को लिखा हुआ लेटर है सीएमओ को। माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या ये दिनांक 18/1/2024 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद सोनभद्र में आवंटित कुल 85 अभ्यर्थियों, यानी टोटल सीट्स कितनी है यहाँ 85 है, अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर दिनांक 31/1/2024 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। लेकिन ये डेडलाइन तो आपकी निकल गई। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नव चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन एवं स्थान व समय निर्धारित करते हुए अविलंब अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे नियुक्ति विषयक अग्रिम कार्यवाही की जाए। जो कल एक लेटर आया था राजस्व परिषद से, उसका आप थोड़ा सा असर देख भी सकते हैं। वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जो वो लेटर आया उससे थोड़ी सी कार्यों में तेजी जरूर आएगी। इसके नीचे पूरी देखिए सूची लगी हुई है जो लेखपालों की है, जिनको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, तो ये अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अलावा 2 लेटर्स और आए हैं वहां से, वो भी देख लीजिए आप। ये है आपका ऑफिस मेमोरेंडम यानी कार्यालय ज्ञाप। जनपद सोनभद्र के समस्त नव चयनित 85 लेखपालों को सूचित किया जाता है कि अपना संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर भूलेख कार्यालय में कार्यरत श्री सरोज कुमार रत्ना भूलेख लिपिक के मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय समय पर निर्गत आदेशों निर्देशों से आप सबको अवगत कराया जा सके। साथ ही वेबसाइट पर विकल्प पत्र का प्रारूप प्रेषित किया जा रहा है, जिसे भरकर भूलेख अधिष्ठान कलेक्ट्रेट सोनभद्र में उपलब्ध कराएं। संलग्नक नीचे क्या है, देखिए विकल्प पत्र का प्रारूप है नीचे, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जहां पर ये प्रोवाइड आपको नहीं हो रहा, इस तरीके से आप इसे भर सकते हैं। यहां पर सेवा में जिलाधिकारी सोनभद्र नाम वगैरह है अपना, पिताजी का नाम है, जो आपका एड्रेस है यहां पर लिखना है। जनपद की तहसील रॉबर्ट्सगंज दुद्धी घोरावल ओबरा में तैनाती हेतु मेरी वरीयता निम्नानुसार है, पहली वरीयता सेकंड वरीयता। तो यहां पर आपसे प्रेफरेंस मांगा जा रहा है कि आपको कौन सी तहसील चाहिए। ये थोड़ा सा एक नई चीज निकल कर आ रही है, ये किसी और अभी तक मैंने जितने भी कवर किए हैं वीडियोस उसमें नहीं देखा। अतः महोदय आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को उपयुक्त वरीयता क्रम के अनुसार तहसील आवंटित करने की कृपा करें। इस तरीके का इन्होंने पूरा लेटर यहां पर भेजा है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज मुझे लगी। अगर सब इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी अपनाते तो ये काफी एक अच्छी चीज हो सकती थी। इसके अलावा तीसरा लेटर है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका तीसरा लेटर है। जनपद सोनभद्र के समस्त नव चयनित 85 लेखपालों को सूचित किया जाता है कि आपका चिकित्सकीय परीक्षण जिला चिकित्सालय लोढ़ी सोनभद्र में दिनांक 1 और 2 फरवरी के मध्य किए जाने का निर्णय लिया है, अतः आप अपना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के साथ जिला चिकित्सालय दिनांक 1 और 2 के मध्य उपस्थित होकर अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी चीज मुझे लगी, स्पेशली ये वाली जो चीज है कार्य, ये वाली ये प्रेफरेंस मांगना, ये थोड़ा सा एक अच्छा था यहाँ पर। तो ये मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ सबका स्क्रीनशॉट, आप जितने ग्रुप्स में हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन आप लोग काफी ग्रुप्स में जुड़े होंगे तो प्लीज़ आप ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा पाएंगे। तो अपडेट्स पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।